आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की फेमस स्नैक्स रेसिपी कोथंबीर बड़ी। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं कोथंबीर वड़ी। कोथंबीर वड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1 कप कोथंबीर, इसे धनिया भी कहा जाता है, 1/2 कप वाटर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर 3 टीस्पून चावल का आटा लिया हुआ है, 1 हरी मिर्च को अच्छे से बारीक कट कर लिया है और तिल एंड अजवाइन मिक्स करके लिया हुआ है। तो आप कोथंबीर बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सबसे पहले जो हमने 1 कप बेसन लिया था उसको बाउल में डाल लेंगे। उसके बाद जो चावल का आटा लिया हुआ है 3 टीस्पून वो डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अजवाइन और तिल जो लिया हुआ था हमने वो डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था 1 टीस्पून से डाल देंगे, सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल देंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो जो हमारी 1 कप कोथंबीर है उसको हम पूरा इसमें डाल देंगे। कोथंबीर को डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के इसको एक डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही वाटर मिलाना है आपको, ताकि ये परफेक्ट डो बन जाए। तो ये हमारा डो बन के रेडी है। अब डो को हम स्टीम करेंगे। ये मेरे पास ढोकला बनाने का स्टीमर है। ये प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर दिया है। अब ये जो डो बना है इसको हम इसमें फैला देंगे। अपना डो फैला दिया है, अब इसको हम स्टीमर में प्लेस कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसको हम स्टीम करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। जो मैंने स्टीम किया था अब ये कूल डाउन हो गया है। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। इतने साइज की भी पीसेस चाहिए आपको, छोटे बड़े, तो उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं इसको। देख रहे हैं, मैंने स्क्वायर साइज पीसेस में इसको कट कर लिया है और कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिया। इसमें हमें इस पीसेस को फ्राई करेंगे। ये हमने चेक कर लिया, हमारा ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें अपने पीसेस डालते जाएंगे। अब इसको हम स्पून की सहायता से थोड़ा पलट देंगे, दूसरी तरफ भी ऐसे ही फ्राई होने देंगे। तो ये हमारा अब फ्राई हो गया है। ये हमारी कोथंबीर बड़ी बन के तैयार है। लुक वाइज बहुत ही सुंदर दिख रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।